हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो अगर आप फ्रेशर्स हैं और अगर आपको टेक महिंद्रा से अगर आपको ऑफ़र मिला है और आप जानना चाहते हैं कि आपकी ट्रेनिंग में सैलरी क्या होगी, आपको बॉन्ड क्या होगी, बॉन्ड पेनल्टी क्या होगी, तो आप राइट जगह में हैं। इस वीडियो में मैं सारी बातें बताऊँगा कि अगर आप टेक महिंद्रा में ज्वाइन करते हैं तो आपकी ट्रेनिंग कितने दिन की होती है, कितनी CTC दिया वो लोग ऑफ़र करते हैं, ट्रेनिंग के पहले आपकी क्या सैलरी होती है, ट्रेनिंग के बाद क्या सैलरी होती है, कितने साल का बॉन्ड होता है और क्या पेनल्टी होती है। ये सारा सारा आंसर मैं इस वीडियो में बताऊंगा। अगर आपको जानना है तो प्लीज़ एंड तक रहे, और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सो पहले स्टार्ट करता हूँ। अगर अगर आपको टेक महिंद्रा से अगर आपको भी ऑफ़र मिलती है तो आपको एज एन एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर ASE करके ऑफर देते हैं, ज्वाइनिंग देते हैं, और उस समय वो सैलरी देते हैं 3.25। तो जब तक आप अगर आप फाइनल ईयर में हैं तो जब तक आप पास आउट नहीं हो जाते तब तक आपको ज्वाइनिंग नहीं मिलता। फॉर एग्जांपल अभी मार्च है और अगर आप फोर्थ ईयर्स में हैं तो जब तक आपके रिजल्ट नहीं आउट हो जाएगी तब तक आपको ज्वाइनिंग नहीं मिलेगी। तो ज्वाइनिंग मिलने के बाद ये ऐसा नहीं होता कि डायरेक्टली आपको बोले काम करें, पहले आपके 3 महीने तक, अराउंड 3 महीने तक आपको आपका ट्रेनिंग चलता है। डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ में आपको ट्रेनिंग दिया जाता है। वो टोटली डिपेंड करता है आपके लक पे कि किस क्या चीज़ पे आपको ट्रेनिंग मिल रहा है। ऑटोमेशन टेस्टिंग, जावा, फ्रंट एंड, मीन डिफरेंट काइंड ऑफ टेक्नोलॉजीज़ पे आपको ट्रेनिंग दिया जाता है, और बेस्ड ऑन दैट ट्रेनिंग और एग्जामिनेशन में आपका परफॉर्मेंस के हिसाब से, बेस्ड ऑन दैट ट्रेनिंग आपका प्रोजेक्ट के लिए एक इंटरव्यू होता है, और उसके हिसाब से आपका प्रोजेक्ट एलोकेशन होता है। तो ट्रेनिंग के टाइम में एज एन इंटर्न अगर आप वहाँ पे काम कर रहे हैं तो उस समय आपको 18K इन हैंड मिलता है फ्रॉम टेक महिंद्रा लिमिटेड, और 3 महीने बाद जब आप ट्रेनिंग ख़त्म कर लें तो बेस्ड ऑन योर परफॉर्मेंस इन ट्रेनिंग वो लोग आपको हाइक देते हैं। वो आप तब आपका आफ्टर 3 मंथ आपका इन हैंड सैलरी 18K से लेकर के 22K तक रहता है, राइट। तो उसके बाद आपका 3 महीने के बाद, सॉरी 18K से 22K आपका ट्रेनिंग में रहता है, और 3 महीने ट्रेनिंग के बाद बेस्ड ऑन योर ट्रेनिंग परफॉर्मेंस आपका 24 से 25K हो जाता है, जो फर्स्ट ईयर तक यही सैलरी आपकी मिलती है 24 से 25K तक। एंड देन आफ्टर 1 ईयर आपको बेस्ड ऑन योर परफॉर्मेंस आपको कुछ हाइक मिलता है, जनरली 10 टू 18% जो बेस्ड ऑन योर परफॉर्मेंस और प्रोजेक्ट में आपने कैसा काम किया, तो इस तरह का आपको हाइक मिलता है और सैलरी मिलता है। नाउ कम टू द बॉन्ड, मीन टेक महिंद्रा में 2 साल का बॉन्ड होता है, तो अगर आप 2 साल तक टेक महिंद्रा में रहते हैं तो आपको कोई पेनल्टी पे नहीं करना पड़ता। अगर आप 2 साल 1 दिन के बाद आप छोड़ते हैं तो वेल एंड गुड, आपको आप रिजिग्नेशन देते हैं, रिजिग्नेशन एक्सेप्ट होता है, उसके हिसाब से आपको लिविंग लेटर फुल फाइनल सेटलमेंट कर करके आपको मिल जाता है। बट अगर आप 2 साल से पहले अगर आप टेक महिंद्रा अगर आप छोड़ना चाहते हैं तो आपको 1 लाख की पेनल्टी देनी पड़ती है, कि अगर आप छोड़ दिए तो 1 लाख रुपया आपको टेक महिंद्रा को देना पड़ता है इन ऑर्डर टू गेट रिलिविंग एंड एक्सपीरियंस लेटर। अगर आप नहीं देंगे देन यू विल नॉट गेट द रिलिविंग एंड एक्सपीरियंस लेटर। तो यही था, मीन बड़ा ही शॉर्ट वीडियो बनाया हूँ। इसके डिटेल्स में मैं एक और वीडियो बनाऊँगा जहाँ पर बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंस, बेस्ड ऑन द ईयर ऑफ एक्सपीरियंस क्या सैलरी है, कि कैसे हाइक मिलती है, किस तरह का बैंड प्रमोशन होता है, वो सारा डिटेल्स में बनाऊंगा। पर ये वीडियो थोड़ा शॉर्ट रखना था इसलिए मैंने जस्ट बेसिक डिस्क्रिप्शन, बेसिक डिटेल बताया कि अगर आप फ्रेशर से आप ज्वाइन करते हैं तो आपको 3.25 LPA के पैकेज मिलता है, डूरिंग इंटर्नशिप आपको 18K मिलता है, ट्रेनिंग पीरियड में आपको 18 से 22K मिलता है, ट्रेनिंग पीरियड ख़त्म हो जाने के बाद आपका एग्ज़ाम होता है, उसके बाद आपको प्रोजेक्ट एलोकेशन होता है, तो 3 महीने के बाद आपकी सैलरी 24 से 25K हो जाती है। अच्छा, ये 25K 1 साल के बाद आपका आपका परफॉर्मेंस बेस्ड पे आप कह सकते हैं 10 से 18% का आपका हाइक मिलता है, माने आपके 1 साल के बाद आपकी सैलरी इन हैंड सैलरी 27K से लेकर के 32K तक हो सकता है बेस्ड ऑन योर परफॉर्मेंस। टेक महिंद्रा का 2 साल का बॉन्ड होता है, तो अगर 2 साल से अगर आप पहले अगर आप टेक महिंद्रा छोड़ना चाह रहे हैं तो आपको 1 लाख का पेनल्टी देना पड़ता है। तो ये सारे डिटेल्स था टेक महिंद्रा के लिए। आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू एंड बाय बाय।